छठ के समय तो और भी ज्यादा मजा आता था वहाँ पर। जिया का तो नानी घर घूम लिया जी, अब बारी है अपने नानी घर घूमने की, और बहुत सालों बाद वहाँ पर जा रहे हैं। लगभग लगता है 10-12 साल हो गया होगा। तो हम लोग जी आ गए हैं यहाँ पर भगवती स्थान, यहीं पर जिया की माँ का कुछ मन्नत था। तो उसी लिए हम लोग आए हैं, और अभी हम लोग यहाँ कुआं के बगल में, यहाँ पर तो सबसे पहले अपने पैर को धोएंगे, पैर को धो करके फिर चलेंगे वहाँ पर पूजा करने के लिए। और बगल में ही यहाँ पोखर है, तो काफी अच्छा नज़ारा लग रहा है। एक बार मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कुआं में देख रहे हैं कि पानी बहुत ऊपर है, जो कि अक्सर कमी देखा जाता है। इतने नजदीक में पानी मिल जाता है कुआं का, बहुत नीचे रहता है। बाल्टी भरा है क्या, उठाने में दिक्कत हो रहा है? रुक जाओ, पहरा तो अपना धुल लिया जी, और अब सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। तो जी यहाँ पर हो गई सभी की पूजा, और सभी लोग जो है गाड़ी में बैठ गए हैं, और अब सीधा चलते हैं घर। समय भी हो चुका है, कितना, लगभग 1 बज चुका होगा। अभी तक किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया है, और चलेंगे घर और करते हैं भोजन। हम लोग तो एक मंदिर में पूजा कर चुके हैं, और अब आ गए हैं दूसरी मंदिर। और यह जो है यहाँ का खानदानी मंदिर है, ये ना मम्मी जी? खानदानी मंदिर हुआ इनका, जिसको बोलते हैं यहाँ पर ठाकुरबाड़ी। और उसके बाद जो है यहाँ भी एक पोखर है, सुंदर सा तालाब है, और यहीं पर अपना पैर धोते हैं, पैर धो करके जाते हैं पूजा करने। मछली तो खूब दिख रहा है सही में यहाँ पर। सीता का यानी मामू जी का दादाजी का नाम है राम अनुग्रह देव। अच्छा, नहीं कैमरा में नहीं आ पा रहा है मछली। हाँ आ गया, जूम करके। यहाँ पर भी मछली का होता है क्या पालन? हाँ। अच्छा, जल्दी पढ़ ली, आराम से पिक्चर है। हो गया, जल भरा हुआ, तो चलो पूजा करते हैं। और यहाँ का तो सीन जी और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत सा लग रहा है, हरा भरा, उधर आसमान, और जब हमने वाइड एंगल कर दिया है लेंस को, तब तो और भी जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर। तो चलते हैं जी अंदर। और क्रियांश जो है कुछ देर रोया अपना, फिर क्रियांश से उसके बाद सो गया है। तो नानी का ड्यूटी यही रहता है, पहले सबको पूजा कर लेते हैं, फिर क्रियांश को कोई लेता है, फिर नानी पूजा करती है ना? ऐसे लग रहा है जैसे मुंह बना के सोया है। तो हम लोग जी जल लेकर के आ गए थे तालाब से, तालाब का तो जल यहाँ नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी एक कुआं है, कुआं का जल जो है चढ़ाया जाता है, तो कुआं जा रहे हैं, वहाँ से जल लाते हैं। यहाँ भी हम लोगों की पूजा हुई जी संपन्न, और अच्छे से पूजा कर लिया, काफी अच्छा लगा जी यहाँ पर आकर के। आई हुई हम जिया के नानी गांव, लेकिन यहीं से जो है हमारे नानी गांव की जो है थोड़ी सी वाइब आती है। हमारा भी जो नानी गांव है, और हमें ध्यान है कि सबसे पहले जो हमने पोखर देखा था इस जिंदगी में, जो सबसे पहले पोखर देखा था अपने नानी गांव में ही देखा था, और ऐसा ही पोखर है, इससे शायद कह सकते थोड़ा सा बड़ा ही पोखर होगा, और ऐसा ही नजारा रहता था। हम लोग वहाँ जाते थे नहाने के लिए, और जब भी छठ होता था, छठ के समय तो और भी ज्यादा मजा आता था वहाँ पर। तो फिलहाल जो है यहाँ से अब चलते हैं, खाना पीना खाएंगे, और यहाँ से हम चलेंगे अपने नानी घर। तो अपने भी नानी घर जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखा देंगे। और सोच रहे हैं कि एक बार यहाँ जाने से पहले जिया के सभी परिवार वालों से आपको मिलवा देते हैं, जिया के नानी गांव में जो भी हैं।
20 minutes later. जिया का तो नानी घर घूम लिया जी, अब बारी है अपने नानी घर घूमने की और बहुत सालों बाद वहाँ पर जा रहे हैं। लगभग लगता है 10-12 साल हो गया होगा। क्रियांश अभी खेल रहा है अपने मामा के साथ, मामा लगे ना तो चलते हैं। क्रियांश क्रियांश देखिए बिजी है एकदम बिल्कुल। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे धूप देख सकते हैं, कितना अच्छा धूप है। पतिदेव कल शाम में ही चले गए थे अपनी मौसी के यहाँ, आंटी के यहाँ कह सकते हैं। अभी रात में क्रियांश तो बहुत ढूंढ रहा था, क्योंकि दिन में वो सबके साथ रहता है, सबके साथ खेलता है, लेकिन रात में उसको पापा चाहिए। तो फिर बहुत मुश्किल से हमने उसको सुलाया है रात में। उसको लगता है 1 घंटा तक उसके पीछे रहना पड़ा, वो रोया बहुत देर, फिर थक हार के वो सो गया। फिर अभी सुबह उठा है तो फिर ढूंढ रहा है पापा को। तो वही भाई जी अभी उसको घुमा रहे थे, तो भाई जी उसको इधर से उधर घुमा रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है। सुबह उठ के कभी वो नहीं रोता, बस वो खेलता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छी नींद हो जाती है ना तो वो सुबह उठ के खेलता है।